Hey, what's up guys, your host Rohit Patel, I'm back with a new video और आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। तो फिलहाल आज येस बैंक का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है, आज इसने बहुत लोअर हाई बनाए हैं। तो आज का जो हाई है वो कल के लो से भी नीचे है और येस बैंक फिलहाल यहाँ पर बहुत बुलिश लग रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर एंडिंग में थोड़ी सी तेज़ी आई जिसकी वजह से थोड़ी सी बाइंग नज़र आई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो सपोर्ट थोड़ा सा काम कर गया है। फिलहाल तो देखेंगे कि आगे येस बैंक में क्या होगा, क्या ऐसे ही बुलिश रहेगा या यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि 30 ज़्यादा दूर नहीं, ये वही पॉइंट है जहाँ से येस बैंक में बाइंग चालू हो चुकी थी। तो इसके बाद से येस बैंक में बाइंग चालू हो चुकी थी और अभी भी उसी पोजिशन पर है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है येस बैंक में। तो मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बाइंग बायबैक का बताओ कि बायबैक कब चालू होगा, तो शायद बायबैक इस पोजीशन के बाद चालू हो सकता है। फिलहाल हम ऑप्शन चेंज देखेंगे जस्ट टू कंफर्म कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो येस बैंक में बहुत से न्यूज़ आ रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला ने अपनी इन्वेस्टमेंट पीछे ले ली, कुछ दो बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पीछे ले ली, तो उसकी वजह से थोड़ा बेरिश माहौल है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है येस बैंक की तरफ से। फिलहाल तो इसके वजह से येस बैंक में काफ़ी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर 50 पे हमें अनवाइंडिंग नज़र आई, वो है बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग है, बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग है 50 पे पुट्स में, बट एडिंग भी उतनी ही हुई है 45 पे। फिलहाल देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉल साइड है, कॉल साइड में बहुत तगड़ी राइटिंग हुई है, बहुत 50 पे तो बहुत तगड़ी राइटिंग है, 45 पे भी बहुत तगड़ी राइटिंग है और 40 पर भी राइटिंग हुई है, बहुत तगड़ी मात्रा में राइटिंग हुई है 40 पे। और ये सारी राइटिंग हमने कल का अगर दो, कल मैंने ये यही बात सेम की थी कि 40 पे राइटिंग है बट इतनी नहीं, बट एक दिन में ये पलट सकती है, तो एक दिन में देखो राइटिंग यहाँ पर पलट गई है, उतनी ही है। कल देखो, कल यहाँ से अगर दिस माइनस दिस अगर करोगे तो कल का मिल जाएगा, या तो कल का ही वीडियो देख लो मेरा, कोई माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि कल यहाँ पर क्या हालत थी और आज यहाँ पर क्या हालत है। आज पूरा पासा थोड़ा सा पलट चुका है, पूरा नहीं, बैरिश ही है, पलटा वल्टा ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा टूट, 40 का जो सपोर्ट था, मैंने कहा था कि 40 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है और 40 का सपोर्ट यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भले ही 40 पे भी पुट साइड में राइटिंग है, बट फिर भी आज जो कॉल साइड में जो राइटिंग है वो पुट साइड की राइटिंग को तोड़ रही है और सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ नज़र आ रही है। फिलहाल तो हमें 35 पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, जैसा कल 40 पे सपोर्ट था आज वैसा ही 35 पे नज़र आ रहा है, बट ये भी एक दिन में पलट सकता है। आज यहाँ पर 82 लाख की राइटिंग हुई है और अगर उतनी ही राइटिंग, अगर 7 लाख की भी राइटिंग अगर 35 पे होगी तो ये सपोर्ट वैसे भी धराशायी हो जाएगा, तो 35 भी अचीव कर सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे आगे का, देखेंगे कि क्या ये आगे जा सकता है। तो 45 पे बहुत तगड़े यहाँ पर चालू है अपना सपोर्ट, तो फिलहाल टूट चुका है। 50 का देखिए, अगर 50 पे बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 50 का रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, तो 50 का रेजिस्टेंस टूटना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम देखें यहाँ पर 55 की, तो 55 की बात ही ना करें क्योंकि 50 का रेजिस्टेंस टूटने से रहा, तो 55 की बात ना ही करें तो अच्छा है होगा। और यहाँ पर अगर हम नीचे देखें 40 जो कि अभी लेवल चल रहा है, 40 अभी भी अचीव होना बाकी है, तो 40 पे यहाँ पर थोड़ी पोजीशन स्टेबल नज़र आ रही है, बट ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी पासा 40 से पलट सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि कॉल साइड पे भी ऑलमोस्ट इक्वल राइटिंग और सपोर्ट है और पुट साइड में भी ऑलमोस्ट इक्वल राइटिंग और सपोर्ट है। तो अगर हम बात करें 40 की, तो 40 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कभी भी हेर फेर हो सकता है, बट अगर 45 की बात करें तो 45 यहाँ पर मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है और 35 यहाँ पर कभी भी पलट सकता है। तो यहाँ पर अभी भी स्टॉक बैरिश नज़र आ रहा है, बुलिश तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट है बुलिश जाना, बट अगर कल निफ्टी बहुत बढ़ता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एंडिंग में निफ्टी यहाँ पर बढ़ा था, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बाइक नज़र आई है हमें,
तो यहाँ पर निफ्टी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है यस बैंक। अगर कल निफ्टी पॉजिटिव में रहा तो शायद यहाँ पर 40 में राइटिंग पुट साइड में थोड़ी सी राइटिंग हो, और पुट साइड में अगर राइटिंग बढ़ गई तो ये सपो जो रेजिस्टेंस था वो वैसे भी कम हो जाएगा, और 45 नज़र भी आ सकता है। बट फिलहाल अगर हम देखें पोजिशन, तो 45 पे कहीं नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा, 40 हमें छूता हुआ क्लियर नज़र आ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतने। कल मुझे एक जन ने क्वेश्चन पूछा था कि बैन में है फिलहाल येस बैंक, फिर भी बाइंग और सेलिंग कैसे हो रहे हैं। तो बैन FNO का बैन है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का बैन है, NSE का बैन नहीं है। तो आप कैश में शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो, बट FNO का बैन लगा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।